G20 को लेकर क्या है फायर विभाग के इंतजाम, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर अतुल गर्ग जी मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, G20 को लेकर क्या तैयारियां फायर विभाग की? देखिए, बहुत व्यापक तैयारी की गई है इस बार। ये देश में पहला इतना बड़ा इवेंट हो रहा है मेरी लाइफ टाइम में, ऐसे आप समझिए, और सभी लोगों के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। हमारे जो मेजर कंसर्न एरिया है वो तीन है। एक जहाँ पे हमारी मेन इवेंट होगी भारत मंडप, एक जहाँ डेलीगेट्स ठहरेंगे और एक जहाँ डेलीगेट घूमने जाएंगे, जैसे राजघाट जाना है, जयपुर फाइन आर्ट्स जो है हमारा ये इंडिया गेट पे उसमें जाना है, तो हमने तीनों जगह वो कवर किया हुआ है। हमारा इस बार एम ये है कि रेस्पॉन्स टाइम बिल्कुल मिली सेकेंड्स में जीरो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं आग लग गई और फिर गाड़ी आ रही है, दो तीन मिनट वहाँ वेट हो रहा है, धुआं निकल रहा है। तो हम हर उस जगह जहाँ पे G20 से लोग संबंधित लोग रहेंगे या इवेंट होगी, वहाँ हमारा आदमी हमेशा प्रेजेंट रहेगा राउंड द क्लॉक। करीब करीब 500 आदमी हमने इस बात के लिए निकाले हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग एजेंसी उससे अलग की है। 35 गाड़ियाँ हमने डिप्लॉय की हैं और 4 से 5 शायद गाड़ियाँ जो हैं वो हमने स्टैंड बाय भी रखी, क्योंकि मशीनें ख़राब भी हो सकती है। जैसे आप रोबोट की बात कर रहे थे कि 2 रोबोट लगा दिए, 1 रोबोट को स्टैंड बाय में रखा हुआ कि बाई चांस मशीन है, इट कैन फेल एनी टाइम, इट कैन फेल। और आप ये देखिए, होटल्स में हमने सब में बहुत डील की, मोर देन 50 डील्स की है, होटल के स्टाफ को सेंसिटाइज किया हुआ है हमने। होटल के जो फायर अफसर है वो उससे हमारा लोकल अफसर कनेक्टेड है कि कोई बात हो तो इमीडिएटली बता देगा हमें। प्रगति मैदान में हमने एक छोटा कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है, जिसमें कि हमारे एक अफसर राउंड क्लॉक रहेगा 8, 9, 10 को 3 दिन, सो दैट एक उस पर वॉच रखी जा सके, कोई बात हो वो डिसीजन ले सके। और करीब करीब आप ये देखें अगर इसको, तो हमने जितने भी आदमी उनकी छुट्टियों को कैंसिल किया हुआ है इस टाइम में, जो भी छुट्टी लेगा वो मेरे से पूछ के लेगा, वो छुट्टी केवल डेथ या कोई एक्सीडेंट केस हो जाए ऐसा हो जाए। और सारे अफसर फ्रॉम हमारा सिपाही से लेकर डायरेक्टर तक जो है ये 4 दिन ड्यूटी पर रहेंगे, जिससे इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके। सर, फायर विभाग के बेड़े में कुछ नई गाड़ियां भी शामिल हुई हैं, जैसे अहमदाबाद से कुछ ट्रक भी मंगवाए गए हैं? नहीं, देखिए ये बेड़े में शामिल नहीं हुई है, ये जब राजघाट में पानी भर गया था तो दिल्ली गवर्नमेंट का, ऑल दो ये हमारा काम नहीं है, पानी जो है वो ड्रेनेज डिपार्टमेंट अलग है वो करता है, पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने, गवर्नमेंट ने यह कहा था कि अतुल तुम बैकअप प्लान एक बना लो, इफ़ दे फेल्स, अगर वो ना कर पाए ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, देन वी रिसर्च इट आउट। तो अहमदाबाद के पास ये गाड़ियाँ थी, हमने वहाँ के चीफ फायर ऑफिसर से बात करी, उन्होंने हमें गाइड किया, फिर हमारे सर ने भी कहा, चीफ सेक्रेटरी से बात किया, 4 गाड़ियाँ हमने लोन पे ली हैं उनसे, ये विद मैन पावर है, हर एक 4 गाड़ी में, हर गाड़ी में 4-4 आदमी हैं। ये गाड़ियाँ इसलिए कि अगर मान लीजिए हैवी डाउनफॉल हो जाता, कहीं पीछे हो जाए, बाढ़ सिचुएशन हो जाए, तो हाउ टू यू हैंडल इट। खासियत क्या सर इनकी? खासियत देखिए ये है कि ये एक बहुत हाई पावर इंजन है, इसमें 10,000 लीटर पर मिनट जो है पानी निकाला जा सकता है, तो 10,000 लीटर पर मिनट बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, तो मतलब अगर हम चारों गाड़ी डिप्लाई कर देते हैं तो 40,000 लीटर पर मिनट, इतना रेनफॉल आज तक कभी हुआ नहीं है कि अगर एक घंटे में इतना भी रेनफॉल हो जाए, ये कभी नहीं होता है। तो ये बैकअप प्लान है बेसिकली कि अगर, क्योंकि देखिए इस इवेंट में कोई भी चांस नहीं लिया जा सकता, दिस इज ए इवेंट फॉर ए कंट्री, मतलब हमारे कंट्री की प्रेस्टीज का सवाल है, तो इसलिए बैकअप प्लान किया गया इसमें कि अगर बारिश होगी तो हम इमीडिएटली इन गाड़ी को डिप्लाई करेंगे, गाड़ी जो है आसपास डिप्लाइड रहेंगे। इन ट्रक के अलावा भी कुछ नई चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी की तरफ? नहीं, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी रोबोट है, स्नेक आर्म है, सब हमारी जो हाई राइज की होती है वो सब डिप्लॉयड है, वो तो ऑलरेडी हमने पहले ही ले लिए थे, स्नेक आर्म हमारी आ चुकी थी, वो हमने ऑलरेडी डिप्लॉय की, रोबोट ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, स्नॉर्कल को भी हमने जो है सिचुएटेड ऐसे फायर स्टेशन में रखा कि जो हाई राइज बिल्डिंग है वो इमीडिएटली हम उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, डिटेल में जानना चाहूँगा कि कुल कितने फायर विभाग के जवान इस पूरे इवेंट में रहने वाले हैं, कितनी गाड़ियाँ डिप्लॉय की गई हैं, और साथ ही कोई पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई किए गए हैं कि कौन कौन से पॉइंटों पर गाड़ियाँ रहने वाली हैं? नहीं देखिए, मैं बताया ना करीब 500 आदमी हैं, 35 गाड़ियाँ डिप्लॉयड हैं, ये डिप्लॉयमेंट है, इतने आदमी डिप्लॉयड रहेंगे। और पॉइंट मैंने बताया कि जितने होटल्स हैं उन होटल में रहेंगे, कि हर होटल में जहाँ डेलीगेट ठहरा हुआ, जहाँ G20 से रिलेटेड कोई भी आदमी या अतिथिगण ठहरे हुए, वहाँ पर हमारी गाड़ी रहेगी, मंडप में तो हमारी गाड़ी रहनी ही रहनी है, और जिस जगह में अतिथि विजिट करेंगे उस जगह को भी कवर। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि 1% अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उस पर इमीडिएटली काबू पा लिया जाए, ये पर्पज। तो जहाँ जहाँ हमारी G20 से कोई भी रिलेटेड, जैसे कि कल ही मेरे को कॉल मिला, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हैज़ बीन डेजिगेटेड एज ए एमरजेंसी हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा सर आप हमारे यहाँ भी गाड़ी दी, तो हमने कहा हम आपको भी फायर कवर करेंगे, हमने कल ही उसकी चेकिंग कराई, सिस्टम चेक कराया,
CPW से बात किया, उनके फायर स्टाफ को सेंसिटाइज किया और हमने कहा कि हम आपको एक गाड़ी देंगे, डोंट वरी उसको। तो जो जगहें ऐसी डेजिग्नेटेड हैं G20 की, वो सबको कवर किया जाए। साफ है कि फायर विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है, जगह जगह पर फायर विभाग की जो टीम है वो रहने वाली है। जहाँ भी विदेशी मेहमान ठहरेंगे तो साफ है कि जमीन से लेकर आसमान तक जहाँ तक सुरक्षा की व्यवस्था की कड़ी की गई है, तो वहीं फायर विभाग की तरफ से पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। कम से गंगा के साथ विवेक शर्मा, TV।